Hello everyone, welcome to electronics lecture. In the chapter instruments, today we have to study about electrostatic focusing in cathode ray tube. In the previous lecture, we have studied internal structure of cathode ray tube, the electron gun assembly, deflection plate assembly, fluorescent screen and glass envelope and base are the important parts of cathode ray tube. Here, diagram of electrostatic focusing system of CRT is shown. The electron beam is focused on the screen by an electrostatic lens consisting of cylindrical anodes. This is the central idea of this electrostatic focusing system. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉन लेंस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है एंड दिस सिस्टम इज यूज्ड इन ऑल सीआरओज। इट कंसिस्ट ऑफ प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, फोकसिंग एनोड एंड एक्सेलरेटिंग एनोड। प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, फोकसिंग एनोड एंड एक्सेलरेटिंग एनोड। तीनों भी एनोड सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं एंड दे आर कोएक्सियल विद द सीआरटी एक्सिस। एनोड्स के बीच में गैप होती है और प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, एक्सेलरेटिंग एनोड ये दोनों हायर पॉजिटिव पोटेंशियल पे होते हैं। फोकसिंग एनोड इज मेंटेन्ड एट लोअर पॉजिटिव पोटेंशियल। ये स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से ये जो गैप है, ये गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होती है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होती है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्प्रेडिंग ये इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से यहाँ पे फॉर्म होती है। ये फिगर में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये यहाँ पे शो किया है। दो इलेक्ट्रोड्स अगर अलग अलग पोटेंशियल पे मेंटेन किए हैं तो सच काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर फॉर्म्ड। दिस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वुड बल्ज एट द सेंटर ऑफ द टू एनोड्स एज शोन हियर। इनका क्या हुआ है, बल्जिंग हुआ है एट द सेंटर ऑफ दिस टू एनोड्स। एज दिस इलेक्ट्रॉन्स मूव इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, सो द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। द इलेक्ट्रॉन एंटरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्री एक्सेलरेटिंग एनोड एंड फोकसिंग एनोड at an angle other than normal to the equipotential surface will be refracted towards the normal and therefore the electron beam tends to become parallel to this CRT axis. The beam then enter the second concave lens. यहाँ पे concave lens is, यहाँ पे क्या है, ये double concave lens दिख रही है। ये special arrangement ये anodes की वजह से यहाँ पे फॉर्म हुई है। तो एज सून एज दिस बीम एंटर्स द सेकेंड कॉन्केव लेंस इट इज कॉन्वर्ज एंड फोकस्ड ऑन द स्क्रीन एट द सेंटर ऑफ दिस सीआरटी एक्सिस। फ्रंट पैनल कंट्रोल में फोकस करके एडजस्टमेंट दी होती है, नॉब दिया हुआ होता है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट नॉब वी कैन एडजस्ट द वोल्टेज ऑन द फोकसिंग एनोड and therefore the focal length of the beam can be moved along the CRT axis by changing the focal length of the electron lens system. Iski wajah se yahan pe we can get the focused beam on the screen due to such special arrangement. To electrostatic focusing matlab kya hai, to ye teen anodes ki special arrangement hai jiski wajah se jab bhi electron beam अरेंजमेंट से पास होगा तो इट विल बी फोकस्ड ऑन द स्क्रीन। अभी ये जो सब एक्सप्लेन किया ये स्लाइड्स के फॉर्म में यहाँ पे दिया है, तो आप पेन और
कॉपी लेके यू कैन नोट ऑल दिस पॉइंट्स, और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं, और क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं आपको कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग इन सीआरटी. सो यू हैव टू फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम एंड देन एक्सप्लेन ऑल. So as a notes, you can note it down. यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग एक्चुअल वर्किंग इलेक्ट्रॉन बीम्स कंट्रोल ग्रिड से निकलते हुए इट पासेस थ्रू द अरेंजमेंट ऑफ थ्री एनोड्स एक्सलरेट प्री एक्सलरेटिंग देन फोकसिंग एंड एक्सलरेटिंग एनोड एंड इन दिस वे वी कैन सी द फोकस्ड बीम ऑन द सीआरटी स्क्रीन. Thank you very much for watching.